हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। कंगना की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जब से रिलीज हुई है, तभी से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं और कंगना की इस फिल्म ने उरी के बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। बता दें कि मणिकर्णिका ने अपने पहले वीकेंड में 42,55,00,000 की कमाई की है। इसी के साथ मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी साल 2019 की सबसे बड़ी फर्स्ट वीकेंड ओपनर बन गई है। इस मामले में कंगना ने विकी कौशल की उरी को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल विकी कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने अपने पहले वीकेंड में 35,73,00,000 रुपए की कमाई की थी। ऐसे में इस हिसाब से देखा जाए तो मणिकर्णिका उरी से काफी आगे निकल गई है। कहना गलत नहीं होगा कि कंगना ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। बता दें, फिल्म मणिकर्णिका को पहले दिन से ही क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शकों से भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद से ही इस फिल्म की कमाई में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। फिल्म को रिपब्लिक डे की छुट्टी का भी भरपूर फायदा मिला है। फिल्म में कंगना ने रानी लक्ष्मीबाई का रोल निभाया है, जिसकी हर किसी ने जमकर तारीफ की है। साथ ही अंकिता लोखंडे के काम की भी खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से कंगना की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई, ऐसे में सबको उम्मीद है कि ये फिल्म कंगना के करियर में फिर से 4 चांद लगा सकती है। वेल, देखने वाली बात तो ये होगी कि कंगना की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी आने वाले दिनों में और कितने रिकॉर्ड्स अपने नाम कर पाती है। वैसे अगर आपने अभी तक कंगना की ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।